हेलो गाइस, तो मैं हूं दिव्यांग और आज दूंगा आपको एक ज्ञान। तो कल से द मोस्ट अवेटेड कार्टून शुरू हो चुका है जिसका नाम है तारक मेहता का छोटा चश्मा। कल मैंने उसे देखा और एक साथ 3 एपिसोड दिखाए, जो बहुत ही अच्छी बात है। और मैंने सारे के सारे एपिसोड एकदम ध्यान से देखे और मैं समझ गया कि इसकी आवाज किसने दी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हु इज द वॉइस बिहाइंड तारक मेहता का छोटा चश्मा ऑल कैरेक्टर्स। और हाँ, कुछ कैरेक्टर्स के सिर्फ मुझे नाम मिले, उनके फोटोज नहीं मिले। तो स्टार्टिंग में आपको बोल देता हूँ कि एडजस्ट कर लेना। तो ये वीडियो पार्ट 1 है, आप याद रखना, क्योंकि बाकी कैरेक्टर्स को अभी तक कार्टून में दिखाया नहीं गया है। तो जब भी उनको दिखाया जाएगा मैं तुरंत पार्ट 2 लेके आ जाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आती है वो कैरेक्टर जो 2 साल से असली शो में तो आई नहीं थी पर इस कार्टून में आ गई, जो उसका नाम है दया टपू के पापा गड़ा। उनके प्रोमो में मुझे यही लगा कि लगता है ओरिजिनल उन्होंने ही डब किया है, इतनी ओरिजिनल वॉइस लग रही थी। पर बाद में पता चला कि वो वॉइस किसी और ने दी। तो मिसेस दया को आवाज दी है भूमिका जैन मैम, ये एक जानी मानी डबिंग आर्टिस्ट है। तो चलिए इनकी आवाज को सुन लेते हैं। ए, हेलो। अरे अरे दया, 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 क्या हुआ, क्या हुआ? सो नेक्स्ट कैरेक्टर है मिस्टर जेठालाल। उनकी आवाज को सुन के आपको पता चल ही गया होगा कि उनके पीछे कौन है। तो उनकी वॉइस के पीछे है मिस्टर राजेश कावा, द लेजेंडरी डबिंग आर्टिस्ट। और ज्यादातर जिनकी टोन गुजराती होती है उनको सिर्फ राजेश कावा जी ही डब करते हैं, और काफी हद तक इनकी आवाज जेठालाल को सूट करती है। तो चलिए अब देखते हैं इनकी आवाज। बच्चों के साथ तुम भी बच्ची बन गई हो? अरे बेचारी बबीता जी को इतनी जोर से लग गई है। बबीता जी, आपको कुछ चाहिए? दवा, पानी? तो अब आते हैं मिस्टर चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा जी पे। तो आपको ये बात सुन के बहुत शॉक लगेगा कि जो चंपकलाल जी का कैरेक्टर है कार्टून में, उनको खुद अमित भट्ट जी ने आवाज दी है, जो रियल में चंपक चाचा का रोल प्ले करते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। तो चलिए सुनते हैं उनकी आवाज। तो ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे बाकी कैरेक्टर्स की आवाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। सब कैरेक्टर्स की आवाज एकदम ही अलग है, बिल्कुल उस कैरेक्टर को मैच नहीं करती। जैसे कि भीड़े की चलो थोड़ी बहुत मैच कर लेती है, पर पोपटलाल की आवाज तो बिल्कुल ही अलग ली है। आई थिंक उनको एक अच्छे डबिंग आर्टिस्ट को प्रेफर करना चाहिए था। और सोडी की भी आवाज एकदम अलग है और डॉक्टर हाथी की भी आवाज एकदम ही अलग है। तो चलिए आपको उन तीनों कैरेक्टर के बारे में बता देता हूँ कि उनको किसने आवाज दी है। तो भिड़े को आवाज दी है सचिन सुरेश जी ने। दया भाभी, वो एक सोसाइटी मीटिंग है, अभी आप चलिए प्लीज। और मिस्टर हाथी को आवाज दी है सुनील तिवारी जी ने। चलो, नहीं नहीं, पुलिस तो मैं बनूंगा। तो आज की वीडियो बस यही तक थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सो स्टे ट्यून्ड और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।